जमुना बाज़ार में उपस्थित हैं और एक अरेकर क्लासेज जमुना बाज़ार में चलता है, जिसमें क्लास 10th के बच्चों ने रिजल्ट में अपना बेहतर परफॉर्मेंस, एक अपना जो है अच्छा नया पहचान बनाया है, और कुछ बच्चियां हैं जो इंटरमीडिएट की हैं जिन्होंने क्लास 12th में अपनी एक अच्छी पहचान बनाई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा कैमरा दिखा दीजिए, संसाधन कम है फिर भी बहुत अच्छा इन्होंने स्कोर करके दिया है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे पढ़ते थे और क्या क्या इनका तरीका था, चूँकि इनके तरीके जान करके और भी बच्चे होंगे जो बहुत प्रभावित होंगे और वो भी जानेंगे कि हम भी ऐसे पढ़ेंगे तो मेरा भी अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो हम सीधे चलते हैं और उनसे बात कराते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रीति कुमारी मिश्रा है। और गुड़िया कुमारी मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपने कि आपने अपना नाम बताया। आप बताइए कहाँ पढ़ते थे? ट्यूशन तो ओरेकल क्लासेस में ही पढ़ा शुरू से ही। ओरेकल क्लासेस से कितना मार्क्स आपका आया है? 426 है। 426। तो आप 426 नंबर लाए हैं, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ा होगा, बीच बीच में बहुत सारा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, तो ये सब कैसे आप मेंटेनेंस किए? इसमें बीच में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ अभिभावक भी होते हैं और कुछ शिक्षक बंधु भी होते हैं, थोड़ा सा कभी कभी समय से काम क्या होता है, रास्ते से बच्चे विचलित हो जाते हैं, तो इनमें इस दरमियान जो है आपको सबसे ज़्यादा सहयोग किसने किया? सबसे ज़्यादा हमारी सेल्फ स्टडी ने हमको सहयोग किया, क्योंकि यहाँ पे उतना मतलब ठीक था, बहुत बढ़िया पढ़ाई होता था, लेकिन बीच में कुछ दिक्कत आ गई जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई रुक गई थी। आपकी नज़र में सेल्फ स्टडी बेस्ट है? जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, गाइडलाइन के लिए मैंने गाइडलाइन के लिए टीचर लोग हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर लोग, उसमें टीचर और अभिभावक हैं जो माता पिता हैं, उनमें सबसे ज़्यादा योगदान किसको देंगे आप? टीचर लोग इसे क्योंकि मोटिवेट करते थे बहुत ज़्यादा, घर पे भी लोग मोटिवेट करते थे लेकिन टीचर लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट। आपका सबसे ज़्यादा बेहतर मार्क्स किस में है? सबसे ज़्यादा मैथ्स में। मैथ में? अच्छा, मैथ में बेहतर नंबर है। मैथ को किस तरह पढ़ते थे? मैथ का ज़्यादातर रिवीजन किए हैं हम लोग, पिछले जो पार्ट पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन बार बार किए हैं, और एक बार नहीं 3-4 बार रिवीजन किए हैं। अगर कोई इस वीडियो को कोई विद्यार्थी अगर देख रहे होंगे तो कहा गया है प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ में वाकई में आप जीत लेंगे। अभी इसका प्रूफ आपने देख ही लिया, इन्होंने मैथ में प्रैक्टिस किया। कितना मार्क्स है मैथ में? 89 है। 89 एक बहुत बड़ा मार्क्स है, चूँकि मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर नंबर लेकर आएंगे। तो आप इनसे सीखिए और आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करिए, चूँकि कहा गया है कि जिस तरह से आदमी डेली प्रैक्टिस करके डेली साइकिल चलाता है तो कभी हैंडल भी इधर उधर करके चलाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, उसी तरह से डेली प्रैक्टिस मैथ को अगर करने से डेली प्रैक्टिस किया जाए मैथ पर तो बेहतर मार्क्स लेकर के आया जा सकता है। इसका प्रूफ आप वीडियो में देख ही रहे हैं, आप भी इस तरह से सीखिए। बाकी और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये आगे इनका क्या गोल है, क्या इन्होंने प्लानिंग बना रखे हैं, और चलिए बोलिए आपका क्या आगे गोल है और क्या बनना चाहते हैं? आगे हमें इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। अच्छा, उसके बाद से जो देखा जाएगा उसे बिजनेस मतलब ज़्यादा पसंद है हम लोग को। अच्छा, बिजनेस करना, बिजनेस अकाउंट माने बिजनेस फील्ड में आपको जाना है और इंजीनियरिंग फील्ड आपको माना ज़्यादा चॉइस है, तो इनको जो है इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है और इनको बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और बाकी आपकी क्या राय है, आप जो भी बात होगा इस वीडियो में कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपना राय बताएंगे। कुछ और थोड़ा सा इनसे जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितने घंटे पढ़ते थे और क्या इनकी पढ़ने का तरीका था, नोट्स भी बनाया करते थे, तो आप बताइए कितने घंटे पढ़ते थे? 8 घंटा तो आराम से पढ़ लेते थे हम लोग। 8 घंटा कितने घंटा कोचिंग में पढ़ते थे? कोचिंग में हम लोग का सुबह से जो कोचिंग होता था 4-5 घंटा होता था कोचिंग में। 4-5 घंटा कोचिंग पढ़ते थे? हाँ, इसमें अगर एक कोई आप बता रहे हैं कि 4-5 घंटा कोचिंग करते थे और उसके बाद से 8 घंटा मैंने पढ़ते थे घर पर, तो 12 घंटा हो गया है कि नहीं आपके हिसाब से? कोचिंग जोड़ करके बोल रहे हैं कि 8 घंटा मैंने कोचिंग छोड़ करके 8 घंटा पढ़ते थे? छोड़ करके मैंने कोचिंग क्लास करने के 4 घंटे के बाद 8 घंटा पढ़ते थे। एक बेस्ट तरीके से एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैंने संक्षेप में कितने घंटे एक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से जितना आप पढ़े मतलब पूरा उस पर फोकस होना चाहिए, जो स्टडी आप कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस होना चाहिए,
जैसे कि आप 4 घंटा भी पढ़ रहे हैं लेकिन अगर फोकस होकर पढ़ेंगे 8 घंटे से बेहतर है। अगर फोकस होकर नहीं पढ़ेंगे 8 घंटा तो वो बेकार है, लेकिन 4 घंटा फोकस होकर भी पढ़ देंगे तो बहुत बढ़िया है। देखिए, इन्होंने एक बात कहा है कि आप 5 घंटा पढ़िए 10 घंटा पढ़िए, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप कितने फोकस होकर पढ़ते हैं और कितने उसको आप अपने दिमाग में लाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा पढ़ते हैं लेकिन उनके पास जो इनपुट आता है वो मात्र 2 ही घंटा का आता है, 1 ही घंटा का आता है। तो आप बेहतर से बेहतर पढ़िए, अच्छा से अच्छा तरीके से पढ़िए, भरसक कोशिश करिए कम समय में ज़्यादा तरीके से उसको अपने दिमाग में लाने का, इनपुट दिमाग में करने का। और भी जानेंगे कि ये नोट्स बनाते थे, नोट्स को प्रैक्टिस किए कि नहीं, बताइए कि नोट्स भी बनाए थे। हाँ, नोट्स सारे सब्जेक्ट के था। आपके हिसाब से मैथ में नोट्स आगे काम करता है? मैथ में नोट्स नहीं, फॉर्मूला का नोट्स बनाए थे हम लोग, मतलब चैप्टर का कोई नोट्स नहीं था, बस फॉर्मूला जो था वो बहुत मतलब पहले का भी 10th का भी बनाए थे, वो भी हमको हेल्प किया है 12th में, पूरा 10th का पूरा हेल्प किया। मतलब आपके हिसाब से जो चैप्टर मैथ के जो हैं वो कंसेप्ट तैयार होना चाहिए, फार्मूला तैयार होना चाहिए, ये सब तैयार होगा, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम मैथ पर अपना जो है कब्जा पा सकते हैं, माने इस पर जीत सकते हैं, यही ना? क्या कुछ कहेंगे हमारे यूजर को, व्यूअर को? बस इतना कहेंगे कि सेल्फ स्टडी बहुत बढ़िया है, सेल्फ स्टडी आप करते रहिए, फिर आप किसी भी चीज़ से हार नहीं सकते। मतलब सेल्फ स्टडी पर इनका पूरा भरोसा है और इनका कहना है कि सेल्फ स्टडी बेहतर से करेंगे तो आप रिजल्ट अच्छे से ला सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, बाकी थोड़ा सा इन लोगों को भी दिखा दीजिए, ये और एकर क्लासेज का बच्चे हैं, और भी बच्चे हैं, चूँकि हम बाद में आए हैं तो बच्चे और चले गए हैं, तो बहुत बेहतर रिजल्ट इनका रहा और आगे भविष्य में हम भगवान से दुआ करेंगे कि और आगे तक इनके जो भी सपना हो साकार हो, अपने माता पिता के बातों को ये साकार करें और अपने जीवन में ऐसे ही जो है बढ़ते रहें। बाकी आपकी क्या राय इसके लिए, तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।